गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता होगा कि जो पिछला चैप्टर था हमारा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो एक इंफॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 15 फरवरी से, ठीक है, 15 फरवरी से टाइम यही रहेगा, ध्यान रखिएगा, 8:30 से 9:30, ठीक है। ये कब कब होता है? टीटीएस में, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे टीटीएस में आपकी क्लास होगी। क्लास मैं ही लूंगा, मेरा नाम आप लोग जानते ही हैं, भूले होंगे तो याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्लासेस मैं ही लूंगा। और इस क्लास की खैसियत क्या होगी, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि ये परीक्षा की तैयारी के लिए होगा। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? क्लासेस के, क्लास 9th के मैथ पढ़ रहे थे, आपको एग्जाम के लिए टारगेट करके नहीं, बल्कि आप सारे चीजों को पढ़ते जा रहे थे। लेकिन अब जो आप पढ़ेंगे ना, वो एग्जाम को टारगेट करके पढ़ेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होगा आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये क्लास जो है आप जितना ज्यादा कर सकते हैं आप जरूर करें, ठीक है। और ये क्लास आपका पूरा फरवरी चलने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो टीटीएस में ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे 8:30 से 9:30 बजे मैं ही क्लास लूंगा। 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, सप्ताह में 3 दिन ही क्लासेज रहेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये क्लासेज आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, बातें समझ में आई? तो सभी लोग इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जो है लास्ट क्लास में क्या कंप्लीट कर चुके थे, मेंसुरेशन जो है क्षेत्रमिति हम लोग की कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज हम लोग जो है, दोबारा रिपीट कर दो एक बार, क्या किया था आपने? चैट सेक्शन में बोलिए आप, ठीक है, जो भी बोलना है चैट सेक्शन में बोलिए, माइक ऑन करके प्लीज कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेंगे, जो कुछ भी बोलना है आपको चैट सेक्शन में बोलना है, जब तक ना कहा जाए आपको माइक ऑन करने का नहीं करना है। जी अभी टेस्ट होगा, बस अभी टेस्ट होगा, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमने 3D में क्या क्या पढ़ा, ठोस आकृति में हमने क्या पढ़ा, तीन चीजें पढ़ा, ध्यान से देखिएगा, 3D में हमने तीन चीजें पढ़ा, अभी तीनों चीज को हम लोग रिविजन करके उस पर टेस्ट लेंगे, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, मैंने क्या बोला फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान से समझिएगा, 15 फरवरी से मंगलवार, 15 फरवरी आपकी अगली क्लास कब होगी? 15 फरवरी को होगी, मंगलवार को होगी, यानी ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे आपकी सप्ताह में 3 दिन क्लासेज होगी। जो अगली क्लास आपकी 15 फरवरी होगी ना, तो परीक्षा की तैयारी के लिए गणित का मास्टर क्लास लग रहा है, मास्टर क्लास इसको नाम दिया गया है। आपके इस क्लास को क्या नाम दिया जाएगा जो 15 फरवरी से स्टार्ट होगा? मास्टर क्लास। मास्टर क्लास क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप इस क्लास को अगर कर लेते हैं ना, तो आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसे 110% करने में सक्षम होंगे, यानी कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसे आप करना पाओ, बस आपको इस क्लास को ध्यान से करना है जो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है मास्टर क्लास, सुनने में भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो ये क्लास जो है आपको मंगलवार से स्टार्ट हो रही है, 15 फरवरी 8:30 से 9:30 बजे, आप लोग का सप्ताह में 3 दिन बैच रहता है, सेम टाइम सेम डे क्लास मैं ही लूंगा, ठीक है। सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए, मैं कह रहा था कि आपने 3D आकृति में, ठीक है, 3D आकृति में देखिए, क्लासेस तो मैं डेली ही लेता हूं, ऐसा कोई बात नहीं कि क्लासेस डेली नहीं होती है, क्लासेस मैं डेली लेता हूं, लेकिन दूसरे बैचेस का, जैसे सप्ताह में 3 दिन आप लोग का रहता है तो 3 दिन दूसरे बैच का रहता है और 3 दिन दूसरे बैच का रहता है, ठीक है। तो ऐसे अल्टरनेट चलता है, अभी जो मैं बता रहा हूं पहले उसको आप लोग सुन लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमने 3D में क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा हमने घनाभ, क्या पढ़ा? घनाभ, दूसरा पढ़ा हमने घन और तीसरा हमने पढ़ा बेलन। अब आप लोग देखेंगे तो घनाभ का हमने तीन चीजें पढ़ा, क्या पढ़ा? एक पढ़ा हमने टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर हमने पढ़ा इसका LSA, लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा हमने पढ़ा इसका क्या? आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना पढ़ा था हमने। ठीक उसी प्रकार हमने घन का भी पढ़ा, क्या पढ़ा घन का? TSA, टोटल सरफेस एरिया, LSA, लेटरल सरफेस एरिया और इसका आयतन निकालना। ठीक इसी प्रकार हमने बेलन का भी पढ़ा, क्या पढ़ा इसका? इसका भी हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना पढ़ा, और इसका जो है बेलन के केस में हम इसे क्या कह देते हैं? कर्व सरफेस एरिया कह देते हैं, जिसे हम LSA भी कह सकते हैं। तो इसे कर्व सरफेस एरिया हमने पढ़ा, और इसमें भी हमने क्या पढ़ा? तीसरा आयतन निकालना पढ़ा,
तो हमने 3D शेप में तीन शेप पढ़ा, तीन आकृति पढ़ा, कौन सा? घनाभ, घन और बेलन। तो घनाभ का हमने टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, आयतन निकालना पड़ा। उसके बाद हमने घन का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और आयतन निकालना सीखा। फिर हमने बेलन का भी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और आयतन निकालना सीखा। तो आज हम इन तीनों का, यानी घनाभ के तीनों, घन के तीनों और बेलन के तीनों का क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। तो सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे, तो पहले हम घनाभ से शुरू करते हैं, फिर घन, फिर बेलन, ठीक है? तो सभी बच्चे बताएंगे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जाए आप लोग तेजी में स्पीड दीजिएगा कि ये एक घनाभ है तो इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं। चैट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे तेजी से कि इसमें कितने वर्टेक्स हैं, एक घनाभ में कितने वर्टेक्स होते हैं। ये सभी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, बस क्विक रिवीजन है, जल्दी से। कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 वर्टेक्स हो गए। अब बताइए फेसेस कितने होते हैं। तो मैंने फेसेस आपको बताया था, जैसे आप जिस रूम में है ना, वो भी एक घनाभ है, तो आप उसके फेसेस गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं? अपने रूम के ऊपर देखिए एक छत है, उसके नीचे नीचे देखेंगे एक फ्लोर है, तो दो ये हो गया, और 4 दीवार, तो कितना हो गया? 6 सतह। तो इसी तरह इसके फेसेस कितने हो गए? 6 हो गए। फिर किनारों की बात करते हैं, तो जिसपे मैं रेड करूं, ब्लू करूंगा, आप देखिएगा वो आपका क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा। तो जैसे ये एक किनारा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, 11वां और 12वां। यानी किनारे कितने हैं? टोटल किनारे हो गए हमारे 12। तो यहां तक सभी बच्चों को याद है अभी तक कि एक घनाभ में वर्टेक्स होते हैं 8, फलक होते हैं 6, किनारे होते हैं 12। ये हमने पढ़ा था, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। दूसरी चीज हमने घनाभ में निकालना क्या सीखा था कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि एक घनाभ में टोटल 6 सतह होती हैं, 6 फलक होती हैं, उन सबका अलग अलग क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं। तो इसी के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि उन 6 को अलग अलग ना निकाल के हम उसका फॉर्मूला याद रखते हैं, 2 × लंबाई × चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुने ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो ये आपको क्या याद रखना है? टोटल सरफेस एरिया की वाइड याद रखना है। आप लोग कुछ इस तरीके का भी इसको कर सकते हैं, आप लोग जिधर जैसे लिखना है लिख सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई। तो ये भी एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। तो आप लोग को जो याद रखना है कोई एक याद रखिए, ठीक है। तो ये आप लोग को ज्यादा याद रहता है आसानी से, तो इसी को याद रखिएगा। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का? 2 × L + L × B प्लस B × H + H × L। इसी प्रकार पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जब घनाभ का ऊपर और नीचे, यानी आधार के फेसेस को, यानी सतह को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ 4 सतह का ही निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। और वो क्या होता है? 2 × लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई। क्लियर होगा? और आपको पता है कि दोनों ही क्षेत्रफल है, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये टोटल सरफेस एरिया है, दोनों ही क्षेत्रफल है। और आपको पता है कि क्षेत्रफल का मान सदैव कितने होता है? वर्ग इकाई मात्रक के साथ लिखा जाता है। और आपने घनाभ का एक बताइए बताइए अभी अभी पूछेंगे, पहले तीनों चीज खत्म तो होने दीजिए। अभी इस तीनों को, घनाभ के बारे में तीन चीजें हैं, तीनों को खत्म होने दीजिए। हमने क्या देख लिया? टीए से देख लिया, एल से देख लिया, अब इसका वॉल्यूम देख लें, फिर क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार तीनों का करेंगे, पहले घनाभ का, फिर घन का, फिर बेलन का, ठीक है। तो आपने देख लिया कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × लंबाई × चौड़ाई + चौड़ाई × ऊंचाई + ऊंचाई × लंबाई। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपने देख लिया, 2 × लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई। इसी प्रकार आपने ये सीख लिया कि क्षेत्रफल का मान जो होता है सदैव ही सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग इकाई होता है। ये दोनों चीजें आपको याद है। और एक तीसरा आपने घनाभ में पढ़ा था, इसका आयतन कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो मैंने कहा था कि आयतन होता क्या है, तो किसी भी ठोस आकृति के द्वारा या 3D आकृति के द्वारा जितना क्षेत्र घेरा जाता है उस क्षेत्र के घेरे के माप को ही हम आयतन कहते हैं। फिर मैंने कहा घनाभ का आयतन निकालते कहते हैं,
तो इसके लिए कहा गया कि प्रत्येक आयत के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो मैंने याद करने के लिए आपको लिखवा दिया था कि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा कि जब भी हमें घन का आयतन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन जब भी निकालना होगा हम क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे। तो आपने घनाभ में यही तीन चीजें पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, एक टोटल सरफेस एरिया जो कि क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 * लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। फिर आपने पढ़ा था इसका लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LSA, यानी कि LSA, और ये क्या होता है 2 * लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। और फिर तीसरा आपने पढ़ा था घनाभ का आयतन निकालना जो कि क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो अब मैं यहां से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उसका जवाब देना है। क्वेश्चंस कैसे जवाब देना है, तो देखिए यहां पे मैंने आप लोग के लिए बना दिया एक घनाभ, ये क्या है, एक घनाभ है, इसकी लंबाई जो दे रखी है, इसकी लंबाई जो दे रखी है आपको, इस घनाभ की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है यानी कि बी जो दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर। आपको बताना है इसका जो है सबसे पहले कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे, फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, लंबाई गुने चौड़ाई फिर चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये फॉर्मूला होता है घनाभ का। ये क्या है, एक घनाभ है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, जल्दी से निकाल के चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे। समय मिलता है आपको 30 सेकेंड का चैट सेक्शन में, सभी बच्चे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। फॉर्मूला आपके सामने है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही आपके सामने है। ये रिवीजन क्लास है, अगले सप्ताह से जो है आपके मंडे से जो होगा एग्जाम परीक्षा के लिए शुरू होगा क्लासेस। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, बस एक ही बार लिखना है, एक ही बार लिखना है, ठीक है। लगभग सभी बच्चों ने 72 दिया है, आइए चेक करते हैं। तो 2 की जगह पे 2 रख देंगे, लंबाई कितना है, लंबाई है 6, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई ही है 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, प्लस चौड़ाई कितना है 3, गुने कितना है फिर से ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 4, प्लस फिर से ऊंचाई 4 गुने लंबाई कितना है 6। इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 * 6 = 18 प्लस 4 * 3 = 12 प्लस 6 * 4 = 24, अंदर वाले को जोड़िए तो कितना होता है, तो 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, और 30 और 24 कितना हो जाएगा, 30 और 24 कितना हो जाएगा, 30 और 24 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अगर इसे हम 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है आपको 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम लोग, क्षेत्रफल निकाले हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाले हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं। तो देखिए आप लोगों ने गलती किया कि नहीं किया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने बच्चों ने सही निकाला था, यहीं से दिख रहा है, सभी बच्चों ने कॉपी करना शुरू कर दिया, 72 72 72, यही होता है। जब आप लोग अपना ईमानदारी से नहीं कीजिएगा तो यही होता है, ठीक है। अब सभी बच्चे बताएंगे इसका LSA कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। फॉर्मूला में लिख देता हूं 2 * लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। सभी बच्चे अब इसका बताएंगे कि लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे कि इसका लेटरल सरफेस एरिया जो होगा, 500 पीस के क्षेत्रफल जो होगा कितना होगा, चैट सेक्शन में ही बताएंगे सभी बच्चे कि लिटिल सरफेस एरिया यानी 500 पीस के क्षेत्रफल
यानी कि फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, दोनों आधार को हम लोग छोड़ देंगे। सभी बच्चे बताएंगे। देखिए ये गलत बात है, आप लोग तेजी में मत कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, कम से कम 30 से 40 सेकंड का आपको समय है, तो इतना समय तो आप लोग लिया कीजिए, क्योंकि गुणा करने में इतना समय लगता है। थोड़ा सा लेट दीजिए लेकिन सही जवाब दीजिए। देखिए एक बच्चे ने दिया 72, दीपेंद्र ने दिया 24, पवन नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने 72 72। चलिए ठीक है, मिलान करते हैं। दो के जगह पे रखेंगे दो, लंबाई कितना है 6 तो 6 रखेंगे, चौड़ाई कितना है तो 3 रखेंगे, ऊंचाई कितना है तो गुणे ऊंचाई है 4। अब देखते हैं 2 × 6 और 3 कितना होगा 9 × 4। अब देखिए इसको गुणा कीजिए, 9 × 2 = 18 और 18 × 4 कितना होता है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आया कि लेटरल सरफेस एरिया घन आपका कैसे निकालते हैं, 2 × लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 2 × लंबाई × चौड़ाई + चौड़ाई × ऊंचाई + ऊंचाई × लंबाई। तो ये तो आप लोगों ने निकाल दिया, अब आप लोग बताएंगे इस घनाभ का आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा। और आयतन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। तो सभी बच्चे बताएंगे कि इसका आयतन कितना होगा बिना निकाले। बहुत अच्छा, दीप्ति ने एकदम सही आंसर दिया है, दीप्ति ने एकदम सही, बाकी लोगों ने भी आंसर सही दिया लेकिन मात्रक नहीं लिखा है, दीप्ति ने मात्रक भी लिखा है, आप लोग भी मात्रक लिखा कीजिए। देखिए लंबाई कितना दिया है 6 × चौड़ाई कितना दिया गया है 3 × ऊंचाई कितना दिया गया है 4, क्षेत्री का 18 और 18 × 4 = 72। और ये आयतन जो होता है किसमें होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। क्यों क्यूब होता है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर × सेंटीमीटर × सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब मुझे आप सभी लोग बता देंगे कि क्या आप लोगों को घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा, तो आप लोग टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और आयतन निकाल सकते हैं। सभी लोग वाई और एन टाइप करके बताएंगे, अगर कर सकते हैं तो वाई, अगर जिनसे नहीं होगा वो एन लिखे। कि अगर घनाभ का आप लोगों को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया जाए तो आप लोग टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और आयतन तीनों ही निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो एक क्वेश्चन और देता हूं, इसके बाद हम लोग घन पे चलेंगे। एक क्वेश्चन और देता हूं इसपे, इसके बाद हम लोग घन का करेंगे। तो सभी बच्चे जाएंगे और इस बार जो आंसर करना है मैं जैसा बताऊंगा वैसा ही आंसर करना है, इसलिए मैं चैट सेक्शन आपका बंद करता हूं और ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे। इस बार का आयतन जो होगा आप लोगों को जो हो निकालना है, मैं वैल्यू चेंज करने वाला हूं और अलग अलग आंसर्स आएंगे, ठीक है। और पोल सेक्शन में आंसर देना है। तो तीनों का ही फॉर्मूला में लिख देता हूं कि कोई गलती ना हो आप लोगों से और सभी लोगों का सही आंसर आए, ठीक है। तो मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं, पहले इसे मैं मिटा दूं। अब मैं कह रहा हूं कि इस घनाभ का जो है ऊंचाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। आपको तीनों बताना है, लेकिन चैट सेक्शन में कैसे बताना है तो आपको चैट सेक्शन में लिखना है एक साथ टीए से, आंसर यहां पे पुट करना है, ठीक है। इसके बाद लिखना है एल ए से, आंसर आपको अपना पुट करना है। अब वॉल्यूम आयतन के लिए आपको केवल लिख देना है वी, और वी के सामने लिख देना है यहाँ पे आंसर। तो तीनों एक साथ लिख के सेंड करना है सभी बच्चों को। तो पहले आप सॉल्व करो फिर आप चैट सेक्शन में आंसर करना। तो चैट सेक्शन 30 सेकेंड के बाद में ऑन करूंगा, चैट सेक्शन आपका 30 सेकेंड के बाद ऑन होगा, आप लोग पहले इसे सॉल्व करो। तो 30 सेकेंड स्टार्ट होता है अभी आपका, अब से कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए। एक घनाभ दिया गया है आपको, टीए से निकालना है, एल से निकालना है और आयतन निकालना है। कॉपी पे आप पहले निकाल लो, फिर मैं 30 सेकेंड में आपका चैट सेक्शन ऑन कर दूंगा और आपको उसमें रिप्लाई करना रहेगा। चैट सेक्शन में इसलिए रिप्लाई करा रहे हैं ताकि आप लोग का आंसर देख सकूं कि यहाँ पे कितना फास्ट और कितना अच्छा आप लोग कर पाते हैं। देखिए थोड़ा सा समय जरूर लीजिएगा, क्योंकि 30 सेकेंड के बाद तो चैट सेक्शन ऑन करूंगा, इसके बाद भी 30 सेकेंड दूंगा, 20 सेकेंड और, चैट सेक्शन ऑन होने में 20 सेकेंड और है। अच्छा इसका भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चैट सेक्शन ऑन हो गया है। कोई भी बच्चा आंसर एक एक करके नहीं भेजेगा, तीनों एक साथ भेजना है। कोई भी बच्चा अलग अलग आंसर नहीं भेजेगा, तीनों एक साथ भेजना है। कोई भी बच्चा आंसर को अलग अलग नहीं भेजेगा, तीनों एक साथ भेजना है। इसलिए तीनों पहले आप निकाल लो, फिर तीनों को एक साथ भेजना। 30 सेकेंड का समय आपके साथ, 30 नहीं, आपको पूरे 1 मिनट का समय, क्योंकि तीन चीजें निकालना है, टीएसए, एलएसए और आयतन। उसके बाद हम लोग घन का पढ़ेंगे, तीनों चीजें कि घन का कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग घनाभ का शुरू किए हैं। पौन नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने टीएसए 160, एलएसए 108, वॉल्यूम 120, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, ठीक है। बाकी बच्चे इनका कॉपी मत कीजिएगा, आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए। देखिए राहुल नाम से जो बच्चे हैं उनका टीएसए अलग आया है, वॉल्यूम सेम आया है, एलएसए सेम आया है, टीएसए दोनों का अलग है। यानी एक व्यक्ति का तो टीएसए पक्का गलत है, एक व्यक्ति का तो टीएसए पक्का गलत होगा। हो सकता है दोनों व्यक्ति का गलत हो। तो सभी बच्चे करेंगे ऐसे ही, आंसर भेजना है जैसे पवन और राहुल ने भेजा है, ऐसे ही आप लोगों को भी आंसर करना है अपना सेम। और 30 सेकेंड, उसके बाद मैं आंसर सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। जिनका हो जाएगा कॉपी दिखा सकते हैं। दीपेंद्र ने भेजा है एलएसए 34, वॉल्यूम 120, टीएसए 148। दीप्ति ने भेजा है टीएसए 148, एलएसए 108 और आयतन 120। बहुत अच्छा। दीपक ने भेजा है 160, 108, 120। अब मैं उल्टी गिनती शुरू करता हूँ। कॉपी में आप लोग का देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं आंसर डिस्कस करूंगा, आप लोग मिलान कीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप लोग अपना अपना मिलान कीजिएगा। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है घनाभ का। फॉर्मूला लिखा गया है, दो के जगह पे दो। लंबाई कितना है? 4, तो 4 रख देंगे। चौड़ाई कितना है इसकी? चौड़ाई है 5, तो 5 रख देंगे। प्लस फिर से चौड़ाई दे रखा है 5, गुने ऊंचाई कितनी इसकी? ऊंचाई है 6। प्लस फिर से ऊंचाई दे रखा है 6, गुने लंबाई कितनी है? 4। इसे सॉल्व आउट करते हैं। देखिए तो दो के जगह पे दो रखेंगे, फिर 5 चौका 20 प्लस 5 छक्के 30 प्लस 6 चौका 24। अब देखिए दो गुने कुछ नहीं है तो गुना 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50। 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50। अब 50 और 24 कितना हो जाएगा? 74। कितना हो जाएगा? 74। क्लियर है? अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8 और 7 दूनी 14, 148 जो होगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। 148 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका? जो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 148, ठीक है। अब आप इसी तरह इसका एलएसए निकालिए। फॉर्मूला क्या है? 2, लंबाई कितना है? 4 प्लस चौड़ाई कितना है? 5 इंटू लंबाई की ऊंचाई कितना है? 6। अब देखिए 2 के जगह पे 2, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पे हो जाएगा 9 गुने 6। अब देखिए अगर हम 9 में 2 से गुणा करते हैं तो 18, और 18 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से चैट सेक्शन बताइए, 18 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 18 छक्के कितना? 18 पचे 90, तो 108 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एलएसए आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, टीएसए आ गया 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन क्या होगा? लंबाई देखिए 4 गुने चौड़ाई देखिए 5 गुने ऊंचाई कितना होगा? 6। अब देखिए 5 चौका 20, अब 20 छक्के कितना होता है? 120। ये आयतन है तो क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यानी कि आयतन हो जाएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब,
एलसी हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर और टीसी हो जाएगा 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो अब आप लोग घनाभ का जब भी आपसे पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और आयतन, तो तीनों चीजें अब आप लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं घन का कैसे निकालते हैं, ठीक है? मैं देख लूंगा, ठीक है? एक्चुअली क्या है ना, आप लोग की क्लास के बाद हम लोग देखते हैं, सभी टीचर्स देखते हैं कि किस बच्चे ने सही आंसर किया था पोल में और चैट में। तो क्लास के बाद हम लोग के पास पूरी रिपोर्ट आती है, उसमें सब कुछ दिखता है, किसने क्या कमेंट किया, किसने सही आंसर किया है, सब दिखता है, ठीक है? तो हम लोग उस रिपोर्ट कार्ड में देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं घनाभ खत्म, अब हम घन पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से चैट सेक्शन में कि घन में कितने वर्टेक्स होते हैं, घन में कितने वर्टेक्स होते हैं, जल्दी से बताइए, घन में कितने वर्टेक्स होते हैं, घन में कितने वर्टेक्स होते हैं? 8। घन में कितने किनारे होंगे, घन में कितने किनारे होंगे, घन में कितने किनारे होंगे? 12। फेसेस कितने होते हैं? 6। यानी कि जितना घन और घनाभ में होता है दोनों ही बराबर होता है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होता है, ठीक है? इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर होता है, जबकि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक? तो ये चीजें तो आपको आता है। अब देखिए, आपने घन का टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला पढ़ा था 6a² यानी कि एक घन में टोटल 6 वर्गों से मिलकर बनता है, तो एक वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 6 वर्गों का हो जाएगा 6a², ठीक है? और ए यहां पे क्या है, ए जो है इस घन का किनारा है, ए क्या है, घन का किनारा है। इसी प्रकार अगर हम ऊपर वाला नीचे वाला का छोड़ दे, ऊपर और नीचे का छोड़ देंगे तो बचेगा सिर्फ 4, तो 4a² जो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। फॉर्मूला क्लियर है सभी बच्चों को कि घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a². सभी बच्चों को क्लियर है? इसी प्रकार बताएंगे, इसका वॉल्यूम आपने पढ़ा था कि घन का आयतन जो होता है किनारा गुने किनारा गुने किनारा होता है, तो यहाँ पे a गुने a जो हो जाता है a³ हो जाता है। तो अब यहां से आपने सीख लिया कि घन का जो होता है, घन का जो होता है टी से होता है आपका कितना, टी से होता है 6a² आपने सीख लिया। घन का जो होता है एल से, घन का जो होता है एल से कितना होता है 4a², घन का जो है वॉल्यूम यानी घन का आयतन, घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है जी, घन का आयतन जो होता है a³ होता है, ठीक है? ये चीजें आपने पढ़ लिया। यदि घन का क्या था, यदि घन का किनारा मैंने दिया था, घन का किनारा मैंने दिया था कितना a, यहां पे किनारा क्या है a है, तो ये चीजें सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है कि मैंने एक आपको घन दे दिया और आपको इसकी तीन चीजें निकाल के बतानी है, मैं आपका जो है चैट सेक्शन बंद कर दिया हूं, जब मैं कहूंगा तभी आंसर करना है, चैट सेक्शन आपकी बंद कर दिया हूं, जब मैं कहूंगा तभी आंसर करना है। ठीक है, ये क्या है, एक घन है और मैं कह रहा हूं कि इसकी किनारा जो है, इसका किनारा जो है यानी कि किनारा को मैं क्या कह सकता हूं कि इसका ए जो है वो कितना दे रखा है, इसका ए जो दे रखा है आपको, फाइव सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको बताना है अपने आंसर में जब चैट सेक्शन ऑन होगा तो कि टीएसए बराबर कितना, एलएसए बराबर कितना और आयतन बराबर कितना, ये आपको चैट सेक्शन में तीनों चीजें बतानी है एक साथ, अलग अलग नहीं एक साथ। तो अभी मैं 30 सेकंड के बाद चैट सेक्शन ऑन करूंगा, आप लोग कॉपी पे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, 30 सेकंड के बाद चैट सेक्शन ऑन करूंगा और आपको कॉपी पे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ट्वेंटी सेकेंड
उसके बाद चैट सेक्शन ऑन हो जाएगा और आप लोग आंसर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अलग अलग आंसर नहीं करेगा, एक साथ करेगा। एक साथ का मतलब तीनों आंसर आपको एक साथ ही करना है, अलग अलग आंसर नहीं करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप लोग जो है इसका आंसर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि तीनों आंसर एक साथ ही करना है, टी से, एल से और आयतन, तीनों को एक साथ ही करना है, और मात्रक के साथ आंसर कीजिएगा। बिना मात्रक आंसर गलत माना जाता है, अगर आप एग्जाम में मात्रक नहीं लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा, तो मात्रक भी जरूर लिखने का कोशिश कीजिएगा। अगर लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाएंगे तो कोई बात नहीं, आंसर सही होना चाहिए। लिखिए, ठीक है। परवेश नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने कॉपी दिखा रहे हैं, आप आंसर कमेंट कर दो, ठीक है। जिनका बन गया है प्लीज कृपया करके वो आंसर अपना क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, चैट सेक्शन में लिख देंगे, क्योंकि चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है। जिनका भी आंसर आ गया तीनों, वो क्या कर सकते हैं, चैट सेक्शन में अपना आंसर जो है सेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, ये हुई ना बात। दीप्ति ने लिखा है, राहुल लिखे हैं, शिवम लिखे हैं, पवन, ठीक है, चार बच्चों ने दे दिया, और आपको मिलता है पूरे 30 सेकेंड और है आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसके बाद पोल सेक्शन में मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। इसके बाद पोल सेक्शन में मैं क्वेश्चन दूंगा, ध्यान रखिएगा, इसके बाद मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन दूंगा। कहां पे क्वेश्चन दूंगा, पोल सेक्शन में, ध्यान रखिएगा, इसी पे आधारित एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे, तो सभी बच्चे करें जल्दी से। देखिए, ये अजीत नाम से जो भी बच्चे हैं, मैंने कहा था ना एक साथ आंसर करना है, अलग अलग आंसर नहीं करना है। अनुराग नाम से जो बच्चे हैं, ठीक है, भूरे लाल नाम से जो भी बच्चे हैं, देखिए अलग अलग आंसर नहीं करना है, आपको एक साथ आंसर करना है। अब ये आंसर आपने अलग अलग किया कोई मतलब नहीं है उसका, वो चेक नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो सही आंसर करते हैं ना, हो सकता है उनको फ्यूचर में इससे सरप्राइज मिले। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं किस बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा आंसर सही किया है, तो उसको हो सकता है कुछ सरप्राइज मिले। बहुत अच्छा, चलिए लास्ट का 30 सेकेंड और इस क्वेश्चन के लिए, इसके बाद हम लोग चैट सेक्शन में करेंगे। 20 सेकेंड, इसके बाद हम लोग पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन करेंगे। टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। अब देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूं, जो भी बच्चे किए हैं वो मिलान करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a2। तो यहां लिखिए 6, a का मान कितना है 5, तो 5 लिखिए, और स्क्वायर है तो फिर से 5 लिखिए, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, तो 6 + 30, और 30 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150, और क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 4a2, तो यहां लिखिए 4, और a का मान कितना है 5, तो फिर लिखिए स्क्वायर है तो 5, और इसे अगर हम सॉल्व आउट करते हैं तो कितना आएगा, 5 × 20, और 20 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 cm². इसी प्रकार आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a³, और a का मान है 5, यानी कि 5³, और 5³ का मतलब है 5 × 5 × 5, और 5 × 5 × 5 जो होता है 125, और ये वॉल्यूम है तो किसमें होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो
तो ये आपका राइट जवाब है, जो बच्चे मिलान करना चाहते हैं मिलान कर लेंगे, ये आपका राइट जवाब होगा। अब मैं आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर रहा हूं, ठीक है, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया। अब आपको एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में दिया जाएगा, पोल सेक्शन में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका इस बार जो है सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है, इस बार जो है इसका मैं पूरा डाटा बदल दे रहा हूं, अब आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखा रहने देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो इस बार जो किनारा है वो जो है किनारा आपका दे रखा है, कितना किनारा दे रखा है, किनारा आपका दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप लोग जाइए, आप इसे पहले सॉल्व कर लीजिए, 30 सेकंड के बाद में पोल दूंगा, 30 सेकंड के बाद में पोल लंच कर दूंगा, तब तक आप लोग इसको सॉल्व कीजिए तीनों को, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर नाम में दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर इसको नाम दे देता हूं मैं 1, क्वेश्चन नंबर 1 नाम सही नहीं रहेगा, इसका नाम मैं लिख देता हूं रिवीजन क्वेश्चन 1, ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन 1। पोल सेक्शन में आपको तीनों चीजें बतानी है, ठीक है, पोल सेक्शन में जो है तीनों चीजें बतानी है। तीस सेकेंड के बाद जो है आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। आप पोल में मात्रक नहीं लिखा रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, पोल में जो होगा मात्रक नहीं लिखा रहेगा, लेकिन आपको इसको अंडरस्टूड करना है, ठीक है। आप इसे पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको पोल सेक्शन में ऑप्शन दिया जाएगा मार्क करने के लिए, ठीक है, आप पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। अभी मैंने कुछ बोल नहीं रहा हूं, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, जिन्होंने सॉल्व कर लिया पोल जाते ही आंसर कर देना है, ठीक है, पोल जाते ही आंसर कर देना है। अभी पोल जाने वाला है, चलिए पोल मैंने दे दिया, आप लोगों को आंसर करना है, इसमें एबीसीडी नहीं होगा, केवल आंसर देख के मिलान करके मारिएगा, देखिएगा हर पोल में एक आंसर तो सही होगा, लेकिन तीनों जिसमें सही होगा सिर्फ उसी को आंसर कीजिएगा, मैं पोल दे रहा हूं, देखिए हर पोल में जो होगा तीन ही ऑप्शन होगा,
एबीसीडी नहीं होगा, सिर्फ लिखा होगा वॉल्यूम टी से एल से, टी से वॉल्यूम एल से, एल से टी से वॉल्यूम। जिसमें तीनों सही होगा उसी को आंसर कीजिएगा, जिसमें तीनों सही होगा उसी को आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में जाइए और आंसर कीजिए, जिसमें तीनों सही होगा उसी को आंसर कीजिएगा, ध्यान से देख के, जिसमें तीनों सही होगा उसी को आंसर कीजिएगा, जिसमें तीनों सही होगा उसी को आंसर कीजिएगा, ठीक है, जिसमें तीनों सही होगा उसी को आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, देखिए क्वेश्चन सेट करने में कितना समय लग गया, बस और 30 सेकेंड, क्योंकि मैंने पूरा समय दिया था बनाने के लिए। बहुत अच्छा, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो लोग कॉपी दिखा रहे हैं वो पोल में आंसर कर दें। देखिए एक बच्चे ने गलत कर दिया, मैंने कहा था ना कि जिसमें तीनों ही आंसर सही होगा उसी को टिक आउट करना है, जिसमें तीनों ही आंसर सही होगा उसी को टिक आउट करना है। चलिए लास्ट के 30 सेकेंड, बहुत अच्छा, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है। 20 सेकेंड, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं किए थे चार सेक्शन में कर सकते हैं। देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² तो यहां लिखिए 6, a का मान कितना है 9, और ए स्क्वायर तो 9 × 9 तो 99 81, और 81 में 6 से अगर गुणा करेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका 486, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एल से निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है 4 स्क्वायर, तो 4 × a का मान कितना है 9 × 9 तो 99 81, और 81 में 4 से गुणा करेंगे तो वो होता है आपका 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आयतन की बात करें तो वो होता है आपका a³, यानी कि 9 × 9 × 9, ये कितना होता है 9 × 9 × 9 करेंगे तो 729 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन बी जो था उसका करेक्ट आंसर था, क्योंकि ऑप्शन बी में जो था ये तीनों ही चीजें सही थी, बाकी ऑप्शंस में जो था एक से दो चीजें सही थी, तीसरा गलत था, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो था करेक्ट था आपका, 486 टोटल सरफेस एरिया, एलएसए 324 और आयतन 729, ठीक है। तो चलिए अब हमने ये भी सीख लिया कि अगर हमें किनारा दिया होगा तो घन का हम टोटल सरफेस एरिया, एल से लेटरल सरफेस एरिया और आयतन तीनों ही निकाल सकते हैं। चार सेक्शन में सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अब बचा सिर्फ बेलन, तो अब बेलन को पढ़ते हैं। हमने आज घन आपका क्या पढ़ लिया, टोटल सरफेस एरिया एल से और आयतन, हमने घन का भी पढ़ लिया टोटल सरफेस एरिया एल से और आयतन, अब बचा एक बेलन, तो अब बेलन पढ़ते हैं। क्लियर है, स्टार्ट करें, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से, सभी तो स्टार्ट करेंगे, चार बच्चों ने ही वाई टाइप किया। हाँ आप सभी बच्चों ने किया है वाई, बहुत अच्छा। चलिए तो सिलेंडर के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि सिलेंडर किससे मिलके बनता है, तो दो वृत्त से मिलके बनता है और एक वक्र आयत से मिलके बनता है, ये सब चीजें आप लोग जानते हैं। और वृत्त जो होता है इस बेलन का आधार होता है, ये जो दोनों वृत्त है इस बेलन का क्या है, आधार कहलाता है, ठीक है। और इन दोनों आधारों के बीच में जो लंबवत दूरी होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है आधार के साथ, वो बेलन की ऊंचाई होती है, एच होती है। दोनों वृत्तों की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या कहलाती है। अगर मैं कहता हूं इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, यानी कि बेलन की त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर होगी। ये बेसिक बातें आप लोग जानते हैं। आगे देखिएगा, तो हमने पढ़ा था बेलन का दो चीजें निकालना है, एक क्या पढ़ा था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएसए, टीएसए पढ़े थे। और टीएसए क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, कितने बच्चों को याद है? जिनको याद है वाई टाइप करेंगे, जिनको याद है वाई टाइप करेंगे कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, जिनको याद है वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चों को याद है। चलिए तो आपने टोटल सरफेस एरिया तो जान लिया, तो इसी बात पे देखिए बेलन का जो है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, यानी कि हम सिर्फ वक्र आयत का क्या निकालते हैं, इसमें निकालते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, जो कि 2 पाई आर और इंटू एच हो जाता है। तो ये आपने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समझ लिया और टोटल सरफेस एरिया भी समझ लिया। और आयतन के लिए आपने क्या पढ़ा था कि अगर इसका आयतन निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर गुने एच, पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। एक बार फिर से रिवीजन कीजिए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और तीसरा जो था टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। तो यहां पे मैं एक सादे पेज पे लिख देता हूं, टोटल सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। किसी बच्चे को अगर भूल रहे हैं तो देखिए लिखा गया 2 पाई आर एच प्लस आर, और आपने कहा है कि आपको याद है, तो टोटल सरफेस एरिया बेलन का याद है आपको। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है सभी बच्चे बताएंगे, लेटरल सरफेस एरिया चैट सेक्शन में लिखिए जल्दी से, क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया बेलन का, जिसे हम लोग सीएसई भी कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, बताइए क्या होता है बेलन का, चैट सेक्शन बताइए जल्दी से। अभी अभी तो आपको यहाँ पे बताया था जी, अभी अभी भूल गए, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, ये रहा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो यहां लिख दीजिए 2 पाई आर एच, और इसका आयतन क्या होता है बेलन का, बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो सभी बच्चों को ये तीनों ही फॉर्मूला क्लियर है, यानी कि बच्चों ने क्लास मन से किया है। अब मैं आपको एक यहां पे क्वेश्चन देता हूं और इसे आप लोगों को करना है। ये मैंने एक बेलन बना दिया, ठीक है, और मैंने इसका त्रिज्या भी खींच दिया, ठीक है, ये दोनों वृत्त हैं। अब देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी रेडियस जो है आर, जो है आर दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और इसकी एच जो है यानी ऊंचाई जो है वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है, चैट सेक्शन में बंद कर रहा हूं, आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया हूं, आपको बताना है कि इसका जो होगा टीएसए कितना होगा, एक ही साथ टाइप करके, एलएसए यानी कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होगा और इसका वॉल्यूम कितना होगा, तीनों ही एक साथ ही कमेंट करना है, 30 सेकंड के बाद जो है कमेंट सेक्शन चैट सेक्शन में ऑन कर दूंगा, ठीक है। आपको रेडियस दे दिया गया, ऊंचाई दे दिया गया, आपको बताना है कि इसका टीएसए कितना होगा, इसका सीएसए कितना होगा और वॉल्यूम कितना होगा, फॉर्मूला आपके सामने है। तो 30 सेकंड आप कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगा और आपको इसका आंसर देना रहेगा, ठीक है। 30 सेकंड पहले कॉपी पे ऑल सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगा, आपको चैट सेक्शन में आंसर करना है। ट्वेंटी सेकेंड टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर टू वन।
अब चैट सेक्शन को ऑन करने के बाद भी आपको मिलता है 1 मिनट अपने आंसर को भेजने का। ध्यान रखेंगे कोई भी बच्चा आंसर को अलग अलग नहीं भेजेगा, तीनों एक साथ भेजेगा। जो भी बच्चा आंसर करेगा तीनों को एक साथ ही टाइप करके भेजेगा, ये नहीं कि पहले टीए से भेज दें, सी से भेज दें, वोलू भेज दें, तीनों एक साथ भेजना है, तभी आप लोग का अटेंडेंस में लग पाएगा कि आपने सही किया था कि गलत किया था। अलग अलग दीजिएगा तो गलत काउंट हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए तीनों को एक साथ ही कमेंट करना है किसका टी से कितना होगा, सी से कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा। फॉर्मूला आपको ऊपर में लिखा गया है, सभी बच्चे करेंगे। पवन नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने टी से बता दिया, बहुत अच्छा। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। दो मिनट, 1 मिनट का समय है, अभी आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए। जब तक 5 लोगों का आंसर नहीं आ जाएगा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, 5 लोगों का आंसर आ जाएगा तभी मैं सॉल्व करूंगा। अभी सिर्फ एक व्यक्ति का आंसर आया, जब तक 5 लोग कमेंट नहीं कर देते मैं सॉल्व नहीं करूंगा। दो बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। चार बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और 30 सेकेंड है, इसके बाद हम लोग आंसर करना, सॉल्व करना शुरू करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ज्यादातर बच्चों का आंसर सेम आ रहा है, मतलब कि आप लोगों ने सही किया है। अच्छा ठीक है, अभी मिलान करते हैं, अभी मिलान करते हैं। बहुत अच्छा, और 20 सेकेंड। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग पोल सेक्शन में करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग पोल सेक्शन में करेंगे। तनिष्का, मनीषा, बहुत अच्छा। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप लोग बोर्ड पे देखेंगे। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है? सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर h+r। तो मैंने 2 पाई आर की जगह पे 2 रख दिया, पाई की जगह पे मैंने रख दिया 22/7 गुने आर की जगह पे, मुझे आर पता है 5, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 5 गुने h+r। h कितना है 14, प्लस आर कितना है 5, ठीक है? अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर सीएसए को करेंगे, इसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, तो ध्यान से देखिएगा, 22 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 44/7 गुने 5 को 5 रहने दीजिए, ठीक है? 5 को 5 रहने दीजिए, फिर 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, तो गुणे 19 कर दीजिए यहां पे। देखिए कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, आप सीधा सीधे क्या कीजिए, 44 को गुणा कीजिए 5 से, जो हो जाए 220, ये कितना हो जाएगा 220 गुणे 19 कीजिए, इसमें गुणा कीजिए कितना से, 19 से। तो अगर इसमें गुणा करेंगे 19 से तो ये हो जाएगा आपका कितना, टोटल हो जाएगा 4180। अब बट्टे में कितना है 7, ठीक है? तो ये आपका हो गया पूरा कैलकुलेशन, तो इसे मिटा दीजिए, इसे मिटा दीजिए, ठीक है? तो ये हो गया आपका 4180/7। इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे ना, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा, तो हमको इसी को आंसर मान लेते हैं, कटेगा नहीं, तो इसी को आंसर मान लेते हैं सीएसए को हम लोग, ठीक है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टीएसए तो आ गया 4180/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चों को समझ में आया, ठीक है? ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर टीएसए। फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर एच प्लस आर।
तो ये हो गया हमारा टीएसए। इसी प्रकार अब हम निकालते हैं यहां पे एलएसए को, रेड पेन से एलएसए को। और एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है? एलएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई के जगह पे 22/7, और आर के जगह पे क्या रखेंगे? 5, और एच के जगह पे रखेंगे 14। तो अब आप देखेंगे, ठीक है, 2 पाई आर एच, तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। तो आप देखिए इधर 2 दूनी 4, आप 22 में 4 से गुणा करेंगे तो 88, और 88 में 5 से गुणा कर देना है। तो 88 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 88 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एलएसए। एलएसए आ गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए आ गया आपका 4180/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चा आयतन, आयतन का फॉर्मूला यहां लिखते हैं। यहां पे मैं आयतन निकालता हूं ब्लू पेन से। तो आयतन को वॉल्यूम लिखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है? 5, स्क्वायर होता है तो 5, एच दिया है कितना? 14। तो देखिए 14 से 7 जो है कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। अब इसको गुणा कीजिए तो 50 25, और 25 दूनी 50, तो 50 में 22 से गुणा करना है। 50 में 22 से गुणा करना है। 50 में क्या करना है? 22 से गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। और ये वॉल्यूम में तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर है। वॉल्यूम आएगा आपका 1100 सेंटीमीटर क्यूब, एलएसी आएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया आएगा 4180/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने बच्चों का तीनों सही था? कितने बच्चों का तीनों सही था? बताइए कितने बच्चों का तीनों सही था? ठीक है, तो आप लोगों ने निकालना सीख लिया। तो एक मैं होमवर्क देता हूं, आपको उसे करके करके आना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों ने कोशिश किया ना, बहुत अच्छी बात है। 2 को सही था, ठीक है। तो आप लोग अब कभी भी अगर बेलन दे देगा तो आप लोग टीएसए एलएसए आयतन तीनों डाउट है बताइए क्या डाउट है ऑन करके। हाँ एल एस ए में और वॉल्यूम में। तो एलएसए में क्या डाउट है बताइएगा, तब तो बताएंगे। बोलिए, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए मुंह खोल के, कहां पे दिक्कत है? अरे बोलिए, मैं बताऊंगा क्या दिक्कत, क्या नहीं समझ में आया। ये तो रिवीजन क्लास है, रिपीट रिपीट रिपीट। ठीक है, ध्यान से देखना। एलएसए का फॉर्मूला बेलन का क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। यहां पे मैंने एलएसए निकाला तो 2 की जगह पे 2 रखा, पाई की जगह पे 22/7 रखा, आर की जगह पे मैंने 5 रखा क्योंकि आर रेडियस 5 दिया गया, और एच की जगह 14 है तो 14 रखा। 7 से 14 को मैंने काट दिया 2 बार में, ठीक है। फिर मैंने 22 में 2 से गुणा किया 44, 44 को 2 से गुणा किया 88, और 88 में 5 से गुणा किया तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? एलएसए आ गया, लेटरल सरफेस एरिया आ गया, यानी पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार टीएसए का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? 2 पाई आर एच प्लस आर। तो 2 पाई आर की जगह पे आर, एच की जगह पे एच, और आर की जगह पे आर। सॉल्व किया तो इतना आया 4180/7। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर तो 5 गुने 5, एच है तो एच। सॉल्व किया तो 1100 सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ पे डाउट है बताइएगा, मुंह खोल के तभी समझ में आएगा। जिनको भी डाउट है वो माइक ऑन करके पूछेंगे तभी अब क्लियर हो। वॉल्यूम भी समझा सर, वॉल्यूम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है? पाई आर स्क्वायर तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 सही है यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए जो मैं लिखा हूं, एच। यस सर, और आर स्क्वायर है तो 5 गुने 5 लिखूंगा क्योंकि आर 5 है। बताइए, यस सर, आप फिर गुने ऊंचाई 14 है तो 14 लिखूंगा। यस सर, आज 7 से 14 को 2 बार में काट सकता हूं, 7 दूनी 14, तो 14 कट गया 7 से 2 बार में, तो 2 हो गया, कट गया ये। सर, आप देखिएगा यहां पे मैं गुणा कर रहा हूं तो 5 गुने 5 कितना होता है? 25 होता है। बताइए, पच्चीस आप 25 पच्चीस के 2 से गुणा करेंगे तो 50 होगा। यस सर,
आप फिर 50 में कितना से गुणा करना है, 22 से। तो यही तो लिखा गया है, 22 50 गुने 22। आप 50 में 22 से गुणा करेंगे तो आता है 1100 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा है? आपने तो खुद ही सब बता दिया, गया। आप ही ने तो बताया, मैंने कुछ नया बताया? आपने खुद ही बताया कि ये होगा। गया समझ में। अच्छा, डिवाइड करके लिखना है, ठीक है। तो एक इसको क्या कीजिए ना, 4180 को जो है डिवाइड कर दीजिए कितना से, 7 से। तो ये दशमलव में आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, दशमलव में ये आएगा कुछ है 5, 9, 7, 597.14, ठीक है, 597.14 आएगा, ठीक है। अगर दशमलव में लिखना चाहते हैं तो आप दशमलव में भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आया? दशमलव में सिर्फ दो ही डिजिट तक लिखना है, ये आगे तक जाएगा लेकिन दो ही डिजिट तक लिखना होता है। तो दशमलव में अगर बदलेंगे तो 597.14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क में आपको याद करना, आपको जितना सीट में बाकी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करना है, रिविजन करना है। एक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को देना था वो आप लोग इंफॉर्मेशन ले लीजिए। इंफॉर्मेशन क्या है कि आपका जो क्लास है सॉरी ट्यूसडे से, मंगलवार से 15 फरवरी से सेम टाइम टीटीएस में ही, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को 8:30 से 9:30 बजे ही, और मैं ही पढ़ाऊंगा। परीक्षा की तैयारी के लिए मास्टर क्लास शुरू हो रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। जो आपके सेट के एग्जाम होते हैं डायरेक्टली आपको इन क्लास से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। समय से जुड़िएगा, डेली क्लास कीजिएगा। 15 फरवरी से शुरू हो रहा है, मंगलवार से, ठीक है। होमवर्क में आपको मेंसुरेशन का जितना सीट है पूरा कंप्लीट करके आना है। आज हम लोगों ने क्या कर लिया, तीनों चीज का रिवीजन कर लिया, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, आयतन। फिर मैंने घन का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, आयतन। फिर बेलन का भी हमने टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीनों ही निकालना सीखा, तीनों ही चीज का, ठीक है। बातें समझ में आया? क्वेश्चन वो मिट गया, ठीक है। त्रिपांसी नाम से जो बच्ची है वो क्वेश्चन मिट गया, ठीक है। वो क्वेश्चन एक्चुअली मैंने टाइप किया हुआ था, यहाँ पे इंस्टेंट बनाया था ना, तो वो मिट गया। आप यूट्यूब पे, मैं लिंक दे देता हूँ, किरण नाम से, तनिष्का, सॉरी तनिष्का, मैं आपको लिंक देता हूँ यूट्यूब पे, आपके जाके देख लेना, वहां पे रिकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो मैं यूट्यूब का लिंक देता हूँ, आप बस एक सेकेंड रुक जाओ, मैं यूट्यूब पे आपको लिंक देता हूँ, आप यूट्यूब पे इस क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। मैं यूट्यूब का लिंक आपको दे देता हूँ।